आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं पूरी एलकेजी क्लास की पूरी कंप्लीट किट लेके आई हूँ कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसमें मैंने क्राफ्ट और आर्ट की बुक नहीं ऐड करी है, मीन्स इसे हटा दिया है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और EBS। तो बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपने बेटे की बुक ली है, फर्स्ट ली है मैंने मैथ्स की। तो मैथ्स का मैं ऑलरेडी आपको डाल चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, तो किस तरीके से उन्होंने आफ्टर बिफोर करके पूरी काउंटिंग पढ़ाई है। काउंटिंग उन्होंने 100 तक ली है। रिवर्स काउंटिंग LKG क्लास में होती है 20 से लेके 1 तक। ये देखिए, जैसे 10 to 1 है तो ऐसे ही 20 to 1 भी जाएगा आगे, तो इस तरीके से करना है। और इसमें आपको नंबर नेम्स लेने हैं 1 to 10 तक। किसी किसी स्कूल में 1 to 20 भी करवा दिए जाते हैं, बट आप 20 तक भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर नेम्स लिए थे, तो इसका आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स का मैंने डाल दिया है, जिसमें उन्होंने साथ साथ शेप्स लिए हैं। और एंडिंग की बात करें तो देखिए, स्किप काउंटिंग इन्होंने ली है 10s तक, मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे 100 तक। और स्किप काउंटिंग इन्होंने जैसे इस तरीके से कंप्लीट द स्किप काउंटिंग इन्होंने 2s की ली है, 2, 4, 6, 8, 10, तो इस तरीके से चलता है। और ये देखिए बैकवर्ड काउंटिंग 20, 19, 18, इस तरीके से। तो बैकवर्ड काउंटिंग ये है। तो मैथ्स का सिलेबस लगभग इतना ही होता है। कुछ स्कूल्स में 2 का टेबल भी ऐड करवा देते हैं। तो ये इसकी वर्कबुक है, नोटबुक में मैंने इनका पूरा सिलेबस मैम से इनकी डिस्कस किया था, तो वो यही होगा। लास्ट में 2 का टेबल भी आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा LKG क्लास में नॉर्मल विदाउट कैरी छोटे छोटे से। तो ये एक वर्कबुक है जो बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये है LKG क्लास की मैथ्स की बुक। अब हम बात करते हैं LKG क्लास की, उसकी बुक है ये इंग्लिश की। तो इंग्लिश में इन्होंने फोनिक प्राइमर रीडर करके दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले ए फॉर एप्पल और इस तरीके से दिया है, क्योंकि पहले रिवीजन ही होता है। बट इन्होंने देखिए साथ साथ ही दे दिया है कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो ये लोग क्या कहते हैं, जैसे मदर डी और ये बेबी डी है। तो जैसे अब मेरे बच्चों को आई तक शायद करवा दिया गया है कर्सिव में, तो मेरे बच्चे अभी पहचानते हैं कि बेबी एच, सॉरी मदर एच, बेबी एच। अगर आप उनको बोलोगे मदर एच लिखो तो वो आराम से लिख देंगे, और बेबी एच बोलोगे तो लिख देंगे। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया है पहले फोनिक वर्ड से। तो अभी फोनिक वर्ड बच्चों के स्टार्ट नहीं हुए, पहले जब कर्सिव कंप्लीट हो जाती तभी आप भी फोनिक स्टार्ट करवाइए। तो देखिए, ए ऐसे करवाया तो एन एट का करवाया है। कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैं अपने उसमें देती हूँ, उसमें आप बताइए, मैंने इसकी आप इंग्लिश की वर्कशीट में जाके चेक कर सकते हो, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए, एन एट एप एड एस कॉम्प्रिहेंशन भी बताइए, फिर देखिए एग एम एक्स एब, यही एक तरीके से वर्ड फैमिली भी हो जाती है इन बच्चों की LKG क्लास में। फिर ई आया है, जब ए की पूरी सीरीज खत्म हो गई है तो हमारा ई आया है। तो ई में इन्होंने लिया है, इंक्लूड किया है एन एट एग एड, इसका भी मैंने वीडियो डाला है तो आप चेक कर सकते हैं। एग, फिर आई का एग इट इम इक्स और कॉम्प्रिहेंशन भी साथ साथ लिया है। इब इड इन इब इब, तो इस तरीके से। फिर ओ आया है ऑग ऑब ऑय ऑब टॉड ऑग साउ अन अग अप अब अप अट, तो इस तरीके से। द नेक्स्ट छोटी सी स्टोरी है, जो एक वर्ड बैंक होती हैं या वर्ड फैमिली भी आप कंप्लीट कह लो, या तो आप वो वर्ड्स कर लीजिए, नहीं तो आप मेनली इस तरीके के वर्ड्स आपको करने होते हैं LKG क्लास में बच्चों को। ये मैं एक अलग से वीडियो आपको डालूंगी, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो के लिए, कि ए से कौन कौन से वर्ड्स हैं जो LKG क्लास में बच्चा पढ़ेगा, फिर बी से कौन से वर्ड हैं जो बच्चा LKG क्लास में पढ़ेगा या उसकी डिक्शनरी में आएंगे, ऐड होंगे कहीं ना कहीं रिलेट करके। तो ये मैं डाल दूंगी। तो ये पूरा वर्ड बैंक है पूरा जेड तक, किस किस तरीके के बच्चे वर्ड इन्वॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का ये इनकी इंग्लिश रीडर की बुक आप कह सकते हो। अब इसी में इन्होंने इंग्लिश होमवर्क की बुक दी है। इंग्लिश होमवर्क की बुक का भी शायद मैंने वीडियो भी नहीं डाला है, तो मैं डाल दूंगी। तो पहले उन्होंने रिवाइज करवाया था पूरा जेल ऐसे ले जाके जेड तक पूरा रिवाइज करवाया था। फिर मिसिंग लेटर्स के फॉर्म में दिया है, फिर व्हाट कम्स आफ्टर। उसके बाद उन्होंने कुछ पैटर्न राइटिंग के ये देखिए पैटर्न राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी कर्सिव निकाल कर्सिव के लिए। ये देखिए व्हाट इट बिगिंस विद, तो ये मेरे बेटे ने लिखा हुआ है।
अभी हम लोग होमवर्क इसका कंप्लीट करा रहे हैं, नोटबुक में हो गया है, तो ये देखिए क्योंकि बुक्स बाद में आई थी, तो ये देखिए मेरे बेटा लिख रहा है ई तक हो गया है। ई फॉर एलिफेंट नहीं एनवलप जैसे इस तरीके का ले गए हैं। एफ ये देखिए स्टार्टिंग में बच्चा इसी तरीके से बनाता है, तो देखिए वो लोग कैसे देते हैं। पहले तो एफ ऐसे दे दिया, फिर इधर मदर एफ बेबी एफ जी, देखिए जैसे ये जी पूरा उसने लिखा है जी एच, फिर एक जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए मतलब चार लेटर्स आपके साथ साथ आ जाएं, तो फिर आप साथ में दे दीजिए ई एफ जी एच, तो इस तरीके से दे दीजिए। फिर ये देखिए जैसे 29th का ये होमवर्क है 29th में, तो फिर देखिए फिर व्हाट कम्स आफ्टर बेबी बी भी दिया है, तो फिर मेरे बेटे ने लिखा है कैपिटल सी, आफ्टर का लिखना है तो मदर सी बेबी सी, मदर एच बेबी एच, मदर ई, इस तरीके से। और जब एच तक उन्होंने वर्ड्स करा दिए तो एच तक हमारा वर्ड क्या बन जाता है, एच और ही, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस भी होना है, तो फिर उन्होंने देखिए वर्कबुक में इस तरीके से दे दिया है ही। तो इस तरीके से इंग्लिश वर्कबुक है जो ये लोग पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। और ये देखिए इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जैसे जो जो वर्ड्स पूरे होते जाएंगे, जैसे ही इफ, फिर बीच में आपको कहीं और भी शायद कोई वर्ड्स मिले, ये देखिए बी बी ई बी, तो इस तरीके से वर्ड है। और जब आप जेड तक आपका बच्चा कर लेगा तभी आपको ये नहीं स्टार्टिंग से प्रेशर डालने लगो भाई यू के जी एल के जी में हो तो कैट वैट, फिर जब जेड तक कर लिया है तब उन्होंने देखिए एट की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने किया है एट, फिर देखिए एट इधर बच्चा प्रैक्टिस करेगा, देन एट के पहले उन्होंने ए से लेकर टी तक लिखना है, फिर उन्होंने एम से स्टार्ट किया, ये देखिए एम एन, फिर ए से लेकर टी तक बच्चे ने लिखा है, टी तक क्योंकि कवर हुआ है, फिर गो डू नो ऑन ऑफ टू लेटर वर्ड्स, नहीं कि ना कि थ्री लेटर वर्ड्स ये स्टार्ट करें हैं। फिर ये देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स पूरा, अब ये एक्स तक करा है, फिर देखिए व्हाट कम्स बिफोर और पिक्चर से मैचिंग, फिर ये जेड से जेब जो भी है, व्हाट कम्स आफ्टर, फिर देखिए बी ही, टू लेटर वर्ड्स कौन कौन से लिए, बी ही इफ एम एन, तो इस तरीके से लेटर्स लिए हैं, फिर राइट द फर्स्ट लेटर, हमेशा वो मत दीजिए डी फॉर डॉग पढ़ाया है तो डॉग ही, डी फॉर डग, तो इस तरीके से बच्चा बनाएगा। देखिए बी फॉर बियर, के फॉर काइट नहीं है, के फॉर कैटल, जब ये वर्ड्स करवा दिए हैं इस तरीके के जो यूज होंगे, उसके बाद देखिए ये एट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाया है, इसका मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, कैट बैट इस तरीके से करवाया है, फिर बीच में इन्होंने ये भी ले आ दिया है कैपिटल लेटर, जिससे कि क्या बच्चा कंफ्यूज ना हो, फिर एट के बाद एन वर्ड्स आए हैं, बच्चे को पिक्चर देख देख के सेम लिखने हैं, फिर मेक टू लेटर वर्ड्स, तो ये देखिए इधर बच्चे ने दिया है मेक टू, बच्चे को दिया गया है मेक टू लेटर वर्ड्स, जैसे ए से तो एम एट, इस तरीके से बच्चे को याद रहे, फिर देखिए राइट कैपिटल लेटर ऑफ, तो बी का क्या होगा कैपिटल लेटर, तो इस तरीके से दिया है, फिर एक के इस तरीके से वर्ड्स दिए हैं, फिर फिल इन द फ्लैंक्स दिए हैं, फिर राइमिंग वर्ड दिए कैट से और क्या बनेगा बैट रैट, तो इनके वीडियोस मैंने डाले हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर देखिए साइट वर्ड इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, आप स्माई बाई बाई ऑक्स वी टी वी द, तो इस तरीके से देखिए, फिर अपोजिट वर्ड एलकेजी में पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे पढ़ाए जाते हैं, आप ये ध्यान रखिए यस नो आउट इन ऑफ ऑन कम गो, तो अपोजिट वर्ड भी होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम द पिक्चर होती है, देखिए सी एंड राइट पॉ जॉ सॉ वैक्स एक्स, इस तरीके से राइमिंग वर्ड अपोजिट वर्ड, मतलब फाइव फाइव ही कराइए, बस बच्चे का मतलब बच्चे को मतलब समझ में आए कि अपोजिट का क्या होता है। फिर देखिए मैच द पेयर, मतलब टूथब्रश टूथपेस्ट इस तरीके से, फिर आर साउंडिंग वर्ड या फोनिक वर्ड, फिर से एंड राइट आर रेड कार, देखिए फिर वो चीज़ आ गई ना छोटा छोटा सेंटेंस फॉर्मेशन, ये भी एलकेजी में आता है, फिर एड एट इस तरीके से आप बिग हैं जो होते जाएं, फिर देखिए द सन इज हॉट, तो छोटे छोटे से सेंटेंसेस भी आ जाते हैं एलकेजी क्लास में। अपोजिट आप बच्चे को कराइए, ये देखिए यस आउट ऑफ डाउन कम कोल्ड वेट स्मॉल, छोटे छोटे से राइमिंग वर्ड, इसकी मैं आपको अलग से दे दूंगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मीन्स बोलेंगे मेरे को, तो इस तरीके से होता है, डिक्टेशन भी आती है, अपोजिट आता है, नेम द पिक्चर, सर्कल द करेक्ट वर्ड, कैप है कि ये नेट है, तो इस तरीके से हम जाएंगे। फिर देखिए वन और मैनी का भी कंसेप्ट आ जाता है, वन कप मैनी कप्स, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं आता, इसमें आ जाता है वन बैट टू बैट्स हैट, तो बस कंसेप्ट देना होता है,
अच्छे से यूकेजी में आता है बट लेकिन कंसेप्ट आ जाता है इसमें। तो ये देखिए पूरा है टब, ये देख के पूरा बच्चों को लिखना है, प्रैक्टिस करानी है, फिर नेम द पिक्चर। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आ गए, अपोजिट वर्ड भी देखिए आ गए, डे बिग, आउट, मैनी, कम, कोल्ड, स्टैंड, थिन, हैप्पी, डाउन, शट। नेम द पिक्चर आ गया, से राइट आ गया, राइमिंग वर्ड आ गया, वन मैन, वन एंड मैनी आ गया। तो इस तरीके से आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है ये पूरा सिलेबस है एलकेजी क्लास का। अगर हम इसमें ही बात करें ईवीएस की, तो ये ईवीएस की वर्कबुक है। पहले मैं आपको ईवीएस का, मैंने एलकेजी क्लास में वो भी डाल दिया हुआ है, पूरा देख सकते हैं आप ईवीएस के प्लेलिस्ट में। तो सिलेबस बेसिकली होता क्या है, माई सेल्फ, ये देखिए, फिर फैमिली, पार्ट ऑफ द बॉडी, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, वाटर बर्ड, बर्ड, इंसेक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, फूड्स वी ईट, सीजन, ड्रेस वी वियर, कम्युनिटी हेल्पर्स या फिर वर्क पीपल डू, ट्रांसपोर्ट, गेम्स वी प्ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासरूम, कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं, ये मिक्की माउस है, मिनी माउस है, मशीन एंड टूल्स, स्क्रू ड्राइवर, ये सब है, ओकेजन एंड फेस्टिवल, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी आ जाते हैं, सिंगिंग है कर रही है, डांसिंग कर रही है, इस तरीके से, और थिंग्स वी डू। तो ये मैं डाल चुकी हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसी की इन्होंने ईवीएस की एक वर्कबुक दी है, तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे मेरे बेटे ने मैच किया है, मैच द बॉडी पार्ट्स, मैच द पार्ट्स, जिससे हम कुछ जो क्या काम करते हैं, जैसे गाने किससे सुनते हैं, फुटबॉल किससे खेलते हैं, थिंग्स यू डू, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं अपने आप को क्लीन रखने के लिए। तो देखिए इस तरीके की सारी चीज़ें हैं जो टिक किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट आ गया, तो इस तरीके की उन्होंने देखिए, जैसे फैमिली में हुआ था, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में आप रहते हो या फिर किस तरीके से ज्वाइंट फैमिली है। फिर ये देखिए, कलर द फ्रूट दैट हैव मैनी सीड्स, तो इस तरीके की वर्कशीट है जो बंच में होते हैं, जिन्हें हम फील करते हैं, इसमें काउंट करके लिखना है, सर्कल द ऑड वन आउट। ये देखिए वेजिटेबल इसमें कौन सी है जो सैलेड में यूज होती है, लीफी वेजिटेबल्स कौन से हैं, इसमें क्या है, कौन कौन सी इसमें वेजिटेबल है रैंडमली दे दिया जो बास्केट से कनेक्ट करनी है, मिल्क प्रोडक्ट कौन से हैं ये करना है, फिर क्या है जंक फूड इसमें कौन से हैं वो बताने थे। तो इस तरीके से ये देखिए स्माइली है, मतलब अच्छा हेल्दी फूड इधर टिक करने हैं और ये जंक फूड इधर। फिर मैच द रॉ फूड टू कुक्ड फूड, तो इधर मैच करना है क्या किससे बन रहा है, फिर शेप्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने वर्कशीट दी है। कलर बी, बी ब्लू जो होता है उसमें करो, जहाँ बी लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये है। फिर देखिए पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, 1 to 4 नंबर करना है, पहले क्या होगा फिर क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से वाइल्ड एनिमल से कलर करने हैं। तो ये इन्होंने एक ईवीएस की वर्कशीट दी है जिसमें पूरा बच्चा सिर्फ लर्न नहीं करेगा, देखिए छोटे बच्चों को जितनी आप प्रैक्टिस कराओगे उतना ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है। तो एक ये इन्होंने ये है। देन अगर हिंदी की हम बात करें तो ये देखिए हिंदी में इन्होंने क्या किया है, ये देखिए हिंदी की इन्होंने एक्स्ट्रा बुक ये दी है। मतलब उनका कहना ये है कि अगर हमारे बच्चों का हो गया तो हम हो सकता है 2-3 वो भी ले लेंगे, मात्रा भी ले लेंगे। तो देखिए 2 वर्णों के शब्द, फिर 3 वर्णों के शब्द, फिर 4 वर्णों के, फिर बच्चों को इन्हीं से प्रैक्टिस कराइए, फिर आ की मात्रा ले लिए, ई की मात्रा ले लिए। ये यूकेजी क्लास में होता है बट उन्होंने वर्कशीट ऐसे दी है कि ये मीन्स बुक इस तरीके से दी है कि ये उन पर डिपेंड करता है कि लास्ट में हो सकता है वो 1-2 मात्रा टिक करवा लें। इसलिए ये पूरी बुक में आपको मीन्स वर्ड भी मिलेगा और मात्रा भी मिलेगी, और यही बुक उनकी यूकेजी क्लास में भी चलेगी। तो देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, ये देखिए अंग, ऊंट, ये वाला र, तो यही बुक उनकी यूकेजी क्लास में भी चलेगी। एलकेजी और यूकेजी क्लास में वो बुक सेम रखते हैं। तो इस तरीके से है, जिसमें अगर आप यूकेजी का देखना चाहें तो इसी का पूरा सिलेबस ये होता है। सारी मीन्स मात्रा होती है हिंदी में, और हिंदी की मैं वर्कशीट आपको पहले ही दे चुकी हूँ, उन्होंने बेसिकली लिया, स्टार्टिंग यहीं से करी है, का खा गा, इसका भी आप हिंदी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो पूरा। लास्ट में देखिए 4 उस तक आ जाता है। अगर अब ये सिलेबस टाइमली खत्म हो जाता है तो वो जैसे बड़ा की मात्रा ले आते हैं इसके बाद 4 वर्णों के बाद। तो ये हुआ है, मैंने दे रखा है, और लास्ट में आती है सिर्फ राइम्स बुक। तो इंग्लिश राइम्स बुक में इन्होंने लिया है, ये देखिए मॉर्निंग पेयर, बिट्स ऑफ पेपर, लिटिल जैक हॉर्नर, टेडी बियर, हॉट क्रॉस बंस, स्नो मैन, द रेनबो, 10 little fingers, इंसी विंसी स्पाइडर, 2 little duck, इस तरीके से ये टाटा केक, तो ये कॉमन है, आई हेयर थंडर, चबी चीक्स। तो इन्होंने राइम्स, मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, छोटी छोटी ली है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी राइम्स ले ली, बच्चा नहीं लर्न कर पाया।
और अगर बात करें इसकी तो ये देखिए मेरा बस्ता, हाय राम लाला जी ने केला खाया, बिल्ली मौसी, मेढक मामा, आलू बोला मुझको खा लो, वो जो नॉर्मल लाइंस बच्चे देखते हैं, हवाई जहाज, भालू की शादी, माँ, धूप, तो इस तरीके का इन्होंने राइम्स ली हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आप ये LKG की कंप्लीट किट है, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।